हेलो एंड वेलकम इन टेक्निकल जागीर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाएं। किसी भी पेन ड्राइव से विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 को अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कैसे करें। सो गाइज, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखें। सो गाइज, इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो एक भी स्टेप मिस ना करें और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर हमें एक पेन ड्राइव चाहिए जिसकी साइज 8 GB से ज़्यादा हो। उस पेन ड्राइव को हम लैपटॉप या CPU के USB पोर्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं उसको इंसर्ट कर लेता हूँ। तो गाइज, यहाँ पर पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव इंसर्ट करने के बाद में हम यहाँ पर माई कंप्यूटर या दिस PC को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पेन ड्राइव है। तो यहाँ पर मैंने इस पेन ड्राइव को ऑलरेडी बूटेबल बना के रखा है, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी विंडोज 10 इंसर्ट करके रखा है। तो यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेट कर दूंगा। तो गाइज, यहाँ पर फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पेन ड्राइव बिल्कुल खाली है। यहाँ पे अब हम इसको क्लोज कर लेंगे और यहाँ पर हम CMD ओपन करेंगे। CMD और CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और यहाँ पे यस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने CMD ओपन कर ली है। तो गाइज, यहाँ पर हमारा सबसे पहला कमांड होगा डिस्क पार्ट। और यहां पर हमें एंटर प्रेस करना है। अब हमें यहां पे डिस्क पार्ट के अंदर एक कमांड एंटर करना है, लिस्ट स्पेस डिस्क। और यहां पर हमें फिर से एंटर प्रेस करना है। तो गाइज, यहां पर आप देख सकते हो, हमारे सिस्टम के अंदर जो भी डिस्क थी उन सब की लिस्ट यहां पे शो हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, 3 डिस्क ऑनलाइन है। तो गाइज, यहाँ पर जो डिस्क 2 शो हो रही है, इसको हमें बूटेबल बनाना है और इसके अंदर विंडोज 10 डालना है। तो यहाँ पे हमें कमांड एंटर करना है, सेलेक्ट डिस्क। स्पेस डिस्क का नंबर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस डिस्क का नंबर है डिस्क 2। तो यहाँ पे हमें एंटर करना है डिस्क स्पेस 2। और यहां पर हमें एंटर प्रेस करना है। अब यहां पे हमें एक कमांड एंटर करना है, क्लीन। ये कमांड इस डिस्क के अंदर जो भी डेटा होगा उसको क्लीन करेगा। तो यहां पे आप देख सकते हो, इधर ये डिस्क पूरी क्लीन हो गई है। कोई बात नहीं, यहां पे हमें एक कमांड एंटर करना है, क्रिएट स्पेस पार्टीशन स्पेस प्राइमरी। ये सारे कमांड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से आप इनको कॉपी कर सकते हो। यहां पे हमें एंटर प्रेस करना है। अब हमें यहां पे कमांड एंटर करना है, SELECT सेलेक्ट स्पेस पार्टीशन स्पेस 1। और यहां पे हमें एंटर प्रेस करना है। अब हमें यहां पे कमांड एंटर करना है, फॉर्मेट स्पेस FS। अब यहां पे हमें स्पेस नहीं देना है, इक्वल का साइन डालना है। इसके बाद में एंटर करना है NTFS। इसके बाद में हमें यहां पे स्पेस देना है और यहां पे हमें एंटर करना है क्विक QUICK। और यहां पे हमें एंटर प्रेस करना है। तो यहां पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15 से 20 सेकंड लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। अब हमें यहां पे कमांड एंटर करना है, एक्टिव ACTIVE। और यहां पे एंटर प्रेस करना है। और इसके बाद में हमें कमांड एंटर करना है, एग्जिट। तो यहां से हम इस पार्ट से एग्जिट हो गए हैं।
अब हमें यहाँ पे CMD को क्लोज करना है और अब यहाँ पर हमें विंडोज 10 को कॉपी करके इस USB फ्लैश ड्राइव के अंदर पेस्ट करना है। तो वो भी मैं आपको बता दूँ कि उसको कैसे करना है। तो गाइज यहाँ पर हम अपनी ISO फाइल पर जाएंगे, तो यहाँ पे मैं अपने ISO फोल्डर के अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं अपने ISO फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर ये विंडोज 10 की ISO फाइल है, इसको मुझे एक्सट्रैक्ट करके अपने फ्लैश ड्राइव के अंदर कॉपी करना है। तो सबसे पहले मैं इसको राइट क्लिक करके विनरार या विनजिप से इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट टू विन 10 पर क्लिक करूंगा, जिससे ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम विन 10 के फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर इन फाइल को हम सेलेक्ट और करके कॉपी करेंगे और इन फाइल को हमें उस USB फ्लैश ड्राइव के अंदर पेस्ट करना है। तो गाइज यहां पर ये पेन ड्राइव सक्सेसफुली बूटेबल हो गई है और इसके अंदर हमने विंडोज 10 को भी इंसर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें जिस PC के अंदर विंडोज 10 इंस्टॉल करना है, उस PC के अंदर ये पेन ड्राइव लगा के हम उसके अंदर विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है पेन ड्राइव को बूटेबल बना के उसके अंदर विंडोज 10 डालने का। सो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में।